तो हेलो दोस्तों, आ गए हैं नए वीडियो में। आज का वीडियो है हमारा बहुत ही स्पेशल, डीसी कन्वर्टर को एसी बोर्ड में कैसे चलाएं। तो यहाँ पर ये है हमारे पास एक डीसी टू डीसी 30-30 कन्वर्टर। तो चलिए इसको हम इस बोर्ड में आपको लगाकर और चलाकर दिखाएंगे। और यहाँ पर एक हमारे पास सेट्रॉन का बीटी बोर्ड है, ये भी चलाकर दिखाएंगे। ये 15015 चलता है, तो ये भी चलाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने अपना बोर्ड को उल्टा करके रख लिया है और कन्वर्टर को भी उल्टा करके रख लिया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर तीन तार लेने हैं हमको, तीन कलर कैसे करके, और तीनों की वायरिंग कर लेनी है। यहाँ पर आपको प्लस माइनस देख करके दोस्तों, ये जो दिख रही है आपको, ये है माइनस साइड 30 वोल्ट और ये है प्लस साइड 30 वोल्ट। तो चलिए यहीं पर हमें लगाना है जम्पर। तो यहाँ पर ये दिख रही माइनस वाली साइड, तो यहाँ पर हमें वाइट वाला तार यूज करना है। यहाँ पर तार लगा लेते हैं। तो ये है हमारा 30 वोल्ट माइनस और ये है 30 वोल्ट प्लस। तो चलिए इसको प्लस लगा देंगे। यहाँ पर ये दोनों लग गए हैं। यहाँ पर ये ग्राउंड भी लगा लेते हैं इसी जगह पे। ग्राउंड तो हमें कहीं से मिल सकता है, आपको मालूम होगा ये बात। तो यहाँ पर ये ग्राउंड भी लगा लिया हमने, अब हमें लगाना है कन्वर्टर में। तो दोस्तों ये है कन्वर्टर, और कन्वर्टर की ये साइड होती है प्लस, ये साइड होती है माइनस। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये माइनस बना भी है, ये देखिए गौर से माइनस बने हुए हैं। तो ये माइनस साइड होती है और ये होती है प्लस साइड। तो ये इसी को देख कर लगाना है आपको तार। तो चलिए यहाँ पर हमने देख लिया है, ये है प्लस साइड, तो यहीं पर प्लस लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम 12 वोल्ट बैटरी के लिए जो करंट देंगे वो एक सिंगल कंडेंसर लगाइए इसमें देंगे। और देख लीजिएगा इसमें माइनस बना हुआ है, यहाँ पर यहीं पर लगा देंगे हम प्लस माइनस करके। यहाँ पर देखिएगा ये भी इधर लग चुका है प्लस वाला हमारा, ये माइनस वाला लग गया है। और ये हमारा कम्प्लीटली पूरा वर्क करने लगेगा ऐसे ही। इसमें एक बटन का स्विच है, वो भी लगाना पड़ेगा अभी। तो ये रहा मेरा बीटी बोर्ड, ये 15015 है, तो इसको भी हम इसी में बैठाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये इस तरीके का बोर्ड निकला है, देख लीजिएगा आप। इस बोर्ड को हमने यहाँ पर दो रेजिस्टेंस यूज कर दिए हैं, जो कि इसमें करंट कम होकर जाए थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस हमने लगा लिए हैं एक सप्लाई में से, तो हमने इसमें लगा दिए हैं। तो चलिए इसको भी लगाते हैं। तो यहाँ पर ये है 15015, यहाँ पर ये हमने कनेक्टर लगा दिया इसमें, और इसको हमें 30-30 डायरेक्ट लगा देना है। तो यहाँ पर ये 30-30 सप्लाई जो निकल रही है इसमें लगा देना है हमको प्लस माइनस पे। तो यहाँ पर ये आया है प्लस, इसमें प्लस लगा देंगे। और ये बीच वाला है जो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड को हम ग्राउंड में लगा देंगे यहाँ बॉडी के बगल में। तो ये भी लग गया है, और ये रह गया है हमारा माइनस, ये भी माइनस लगा देंगे। ये पे माइनस लगा देंगे, ये माइनस लगा दिया हमने। और चलिए अब हम इसके जो मेन वायर है वो लगा लेंगे स्पीकर के। तो दोस्तों स्पीकर वायर लगा लेते हैं। यहाँ पे स्पीकर वायर भी लग चुके हैं, और अब हमें इसको सीधा कर लेना है बोर्ड को अपने। तो चलिए ये भी लग गए हैं, और यहाँ पर ये भी लग गए हैं, सारे तार लग गए हैं। अब हमें इसमें देनी है आउटपुट। तो यहाँ पर आउटपुट के लिए कनेक्टर हमने ले लिया है, तो ये भी लगा लेते हैं आउटपुट में। तो यहाँ पर ये लग गया है, और यहाँ पर ये लगा देना है नीले वाले सर्किट में, ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर ये हमने लगा दिया इनपुट में। तो ये दोनों इसका संपर्क पूरा कनेक्शन लग गया है, और अब हमें लगा यहाँ पर हमें लगा लेना है यूएसबी कार्ड, क्योंकि ये यूएसबी कार्ड है, ये हम लगाएंगे इसमें। तो चलिए यहाँ पर इसके लिए भी हम कनेक्टर यूज करेंगे, कनेक्टर को हम लगा देंगे ये साइड में। यहाँ पे लग इसको हम इनपुट में लगा देंगे, ये इनपुट इसमें लगा दिया हमने इसको। अब ये कनेक्शन हो गए पूरे, ये देखिएगा ये हो गई आउटपुट इसके बोर्ड के लिए, इनपुट में दे दी हमने। ये होगी लाइट की सप्लाई जो हमारी एसी है 30-30, और ये होगी कन्वर्टर की। पूरी पूरी वायरिंग हो गई है, अब हम इसको लगाएंगे। चाहो तो इसको भी चला सकते हो आप इसी कन्वर्ट इसी बोर्ड से,
इसमें 78.5 की सप्लाई दी गई है, लेकिन मैं इसमें लगाऊंगा नहीं क्योंकि कभी कभी फॉल्ट हो जाता है तो इसलिए काट उड़ सकता है। तो इसके लिए हम बैटरी को यूज करेंगे, छोटी सी बैटरी को। तो यहाँ पर देखिए कार्ड मैंने पहले चालू कर लिया बैटरी से और कार्ड में लाइट आ चुकी है। तो यहाँ पर इसको ऐसे रख देंगे और चलिए अब इसे मेमोरी कार्ड लगाएंगे अपना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरा सेटअप चालू हो चुका है और इसमें हमने तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कार्ड में लाइट आ चुकी, तो हम इसमें यूएसबी कार्ड लगा लेंगे। ये देखिए यूएसबी कार्ड लग चुकी है और ये प्ले भी हो गया है, ये देखिएगा आपको दिख रहा होगा शायद। तो चलिए अब हम इसे अपने बोर्ड में लाइट देंगे कन्वर्टर द्वारा। तो चलिए बैटरी ले लेते हैं, हमारे पास 12 वोल्ट की एमपीएस की बैटरी, तो चलिए इसको लगाते हैं कन्वर्टर में। तो देखिए अभी लाइट नहीं आई है, लाइट क्यों नहीं आई, यहाँ पर एक जो आपको स्विच दिख रहा है जब तक नहीं टच करोगे तब तक लाइट नहीं आएगी। चलिए वॉल्यूम को पहले कम कर लेते हैं, तो देखते हैं लगा करके। देखिए लाइट आ चुकी है, आप देख सकते हैं लाइट आ चुकी है और ये मैंने अभी कनेक्शन हटा दिए बड़े, यहाँ पर देखिएगा लाइट आ चुकी है इन्वर्टर में। यहाँ पर देखिएगा इसमें स्पीकर में भी आवाज़ आएगी। तो चलिए इसको अब वॉल्यूम बढ़ाते थोड़ी सी, तो आवाज आने लगी है म्यूजिक की, जो आईडी चल रहा है जिस पे। तो गाना चेंज करेंगे फिल्म, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।